Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapter number 7, permutation, combination and probability. Or is exercise has 7.4. Exercise 7.4 ka ye part number 4 hai aur last lecture hai is exercise ka, theek hai? To koshish karte hain ki hum isme jo baki questions reh gaye hain wo hum yahan par complete kar dein, theek hai? To is lecture mein hi complete kar dein. पिछले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शो दैट C11 plus 16C10 is equal to 17C11. ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को हमने प्रूफ करना है. तो हम ये किस तरह से प्रूफ करेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं. जिस तरह से इक्वेशन को प्रूफ किया जाता है उसी तरह से हम लेते हैं. पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 16C11 plus 16C10, ठीक है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड. अब इसको दो तरीका से सॉल्व किया जा सकता है. एक तो पहले मैं मेथड एक अप्लाई करता हूं, फिर दूसरा भी अप्लाई करके देखते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है. तो पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसके इक्वल है. तो अब यहां पर देखें, इसमें हम फार्मूलाज अप्लाई कर देते हैं. फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, क्या होगा? 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 11 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल. इसी तरह से इस पे हम अप्लाई करेंगे तो 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है. तो अब यहां पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 11 आ जाएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल. और साथ में 11 फैक्टोरियल है, वो मैं उसी तरह से साथ लिख देता हूं. प्लस 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 10, 6 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल. अच्छा, अब देखें, इसको मैं सेम बनाना चाह रहा हूं. देखें, अब ये 5 फैक्टोरियल है तो इसको मैं 5 फैक्टोरियल बना सकता हूं. अगर ये 6 फैक्टोरियल है तो इसको 6 फैक्टोरियल बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके ये 6 फैक्टोरियल बनेगा. तो इसको हम ऐसे करते हैं ना कि जो छोटा है उसको इक्वल यहां पर बना लेते हैं. मतलब ये 5 है फैक्टोरियल है तो इसको हम 5 फैक्टोरियल बना सकते हैं, और ये 10 फैक्टोरियल है तो ये 11 फैक्टोरियल है, इसको 10 फैक्टोरियल हम बना सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बाद में इसको कॉमन लेना चाह रहा हूं, ठीक है, सेम बना के. तो 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 11 इनटू 10 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है. इसको मैंने 10 फैक्टोरियल बना दिया, प्लस 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इस 6 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल बना सकता हूं, ठीक है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. और 10 फैक्टोरियल को इसी तरह से रहने देते हैं. अब ये देखें, न्यूमरेटर में क्या चीज कॉमन आ रही है? 16 फैक्टोरियल, ठीक है. डिनोमिनेटर में आप देखें दोनों टर्म्स की, तो क्या कॉमन आ रहा है? ये 5 फैक्टोरियल है, ये भी 5 फैक्टोरियल है, यानी कि 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया. इसके अलावा क्या कॉमन है? 10 फैक्टोरियल भी कॉमन है, ठीक है, इंटू 10 फैक्टोरियल. तो अंदर क्या टर्म्स बच गई हैं? 1 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, बाकी बाहर कॉमन आ चुका है, ठीक है. तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं. 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें, 11 इनटू 6. ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है. अब आगे देखें, आगे हम इसको क्या कर सकते हैं?
ये न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को मैंने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आप देखें 16 फैक्टोरियल के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं 17 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप इन दोनों टर्म्स को देखें, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, इसको हम कह सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है, इसको हम कह सकते हैं 11 फैक्टोरियल, कह सकते हैं ना। तो अब यहां से आप एक और चीज भी देखेंगे, 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 17 डिवाइडेड बाय 11, 6 को मैं लिख सकता हूं ना, 17 माइनस 11 क्या होता है, 17 माइनस 11 होता है 6, तो इसको मैं लिख दिया 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल, और साथ में 11 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, तो उस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहां से आप इस पे गौर करें, तो अगर मैं 17 को n कहता हूं और 11 को r कहता हूं, तो ये क्या बन रहा है, अगर 17 n इज इक्वल टू 17 है और r इज इक्वल टू 11 है, तो ये क्या बन रहा है, इसमें हम अब पुट करके देखें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये n c r के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो n इसमें क्या है, 17 है, और r इसमें क्या है, 11 है, यानी कि 17 c 11 के इक्वल आ चुका है, ये 17 c 11 के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 16 सी 11 प्लस 16 सी 10, ठीक है, 16 सी 11 प्लस 16 सी 10 इक्वल आया 17 सी 11 के, और 17 सी 11 आप देखें आपकी पास जो इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, मतलब के इक्वल आ चुका है ये राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सिंप्लीफाई किया, मॉडिफाई थोड़ा बहुत ही जो भी टेक्निक्स वगैरह यूज करके हमने उसको सॉल्व किया, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर बल्कि ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देयर आर 8 मैन एंड 10 वुमेन, ठीक है, 8 मर्द हैं और 10 औरतें हैं, कहां पर, ये क्या है, मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के मेंबर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी फॉर्म, ठीक है, 8 मर्द हैं 10 औरतें हैं एक क्लब में, तो हमने कमिटीज बनाने हैं 7 मेंबर्स की, यानी कि हर एक कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स होंगे। तो इसके जो हैं कुछ पार्ट्स हैं, हैविंग 4 वोमेन, यानी कि उन 7 में से 4 औरतें होनी चाहिए, ठीक है, उस कमेटी में। तो देख लेते हैं कैसी कमेटी बनती है, 4 औरतें होंगी, W1, W2, W3, W4, बाकी मर्द कितने बचे, M1, M2, M3, ये 7 कंप्लीट हो गए मेंबर्स, ठीक है, 4 अगर हम औरतें रखते हैं तो 3 मर्द बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, तो इस तरह का हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया हुआ है। तो वुमेन हमारे पास हैं टोटल 8, जिनमें से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब के उसके कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 8C4। और टोटल नंबर ऑफ मैन हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैन हमारे पास बल्कि वुमेन हमारे पास 10 हैं, तो ये 10C4 बनेगा, 10C4,
ठीक है, और साथ में जो हमारे पास मर्द हैं वो हैं 8, उनमें से हम सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, 3, ठीक है, तो 8C3 बन गया। तो अब ये आप कैलकुलेट कर लें, 10C4 जो है वो किसके इक्वल आता है, और 8C3, इन दोनों के रिजल्ट्स को आपस मल्टीप्लाई करें तो एंड पे आपके पास रिजल्ट जो बनता है वो है 11760। ये इतने टोटल नंबर ऑफ कमेटीज बनते हैं जिनमें 4 औरतें आएंगी और 3 मर्द आएंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 मैं देखता हूं क्या है। पार्ट नंबर 2 में है एट मोस्ट 4 वुमेन, एट मोस्ट 4 वुमेन, यानी कि हमने कमेटी में एट मोस्ट 4 वुमेन रखने हैं। ठीक है, मतलब कि एक कमेटी है हमारे पास, उसमें कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स एट मोस्ट 4, यानी कि औरतें जो हैं वो एट मोस्ट 4 हो सकती हैं। वन टू थ्री फोर, ये ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4। ज्यादा से ज्यादा 4 का क्या मतलब है, या 4 होंगी या 3 होंगी या 2 होंगी या फिर 1 या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगी, 4 से कम भी हो सकती हैं, यानी कि 3 2 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। तो फिर किस तरह से हमारे पास कमेटीज बन रही होंगी, एक कमेटी बनेगी एक वोमेन की, 6 उसके साथ मैन बन जाएगी, तो ये एक कमेटी बन जाएगी 7 मेंबर्स की। उसके अलावा 2 वोमेन भी हो सकती हैं, ठीक है, एटमोस्ट 4 के अंदर, तो अगर 2 औरतें होंगी तो 5 मर्द होंगे क्योंकि 7 मेंबर्स हमने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 वोमेन होंगी तो 4 मैन होंगे, ठीक है, और अगर 4 जो है वो औरतें होंगी तो हमारे पास 3 मर्द होंगे क्योंकि 7 कंप्लीट करने। उसके अलावा कोई औरत भी नहीं हो सकती, ठीक है, एटमोस्ट में यही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं भी हो सकती, 0 नंबर ऑफ वुमेन, तो फिर कंप्लीट जो है 7 के 7 मैन होंगे उस कमेटी में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां से देखें, जब हमारे पास 7 मैन होंगे तो मतलब 8 हमारे पास मर्द हैं, तो 8 में से हमने 7 सेलेक्ट करने हैं, तो 8C7 ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसमें देखें, एक औरत जब हमने सेलेक्ट करनी है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 10 है, 10C1 इंटू, अब 6 मर्द जब हमने सेलेक्ट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैन 8 है, 8C6। ठीक है, इसी तरह से इसमें प्लस कर लेते हैं, जब हमने 2 औरतें सेलेक्ट करनी है तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन 10 है, 10C2 हो जाएगा इंटू, और 5 जब मर्द सेलेक्ट करने हैं तो 8C5। ठीक है, इस तरह से जब 3 औरतें सेलेक्ट करनी है तो 10C3 इंटू, जब और साथ में 4 जब मर्द सेलेक्ट करने हैं तो 8C4। इसी तरह से जब 4 औरतें सेलेक्ट करनी है तो 10C4 इंटू, 3 मर्द के लिए 8C3। ठीक है, तो इनको आप कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 2 2 9 6 8, यानी कि इतने टोटल नंबर ऑफ कमिटीज हमारे पास आएंगी रिजल्ट में। ठीक है, जिसमें हम एट मोस्ट 4 वुमेन कमिटी में रख सकते हैं। इसी तरह से एक थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, हमें कहा गया है कि एट लीस्ट 4 वुमेन,
यानी कि अब कहा गया है एटलीस्ट, पिछली बार क्या था, पिछले पार्ट में एटमोस्ट फोर, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम चार, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, सात भी हो सकती हैं, और टोटल मेंबर्स ही सात हैं कमेटी के, तो सात मैक्सिमम हो सकती हैं, ठीक है, तो चार एटलीस्ट हैं, फोर वुमेन, तो एक कमेटी कंप्लीट करने के लिए थ्री सेवन तीन और मेंबर चाहिए, वो मर्द होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और कमेटी हम बना सकते हैं कि जिसमें पांच औरतें हो सकती हैं, क्योंकि चार कम से कम है तो पांच भी हो सकती हैं, पांच होंगी तो हमारे पास दो मर्द होंगे साथ में, और छह भी हो सकती हैं औरतें, उसके साथ फिर एक मर्द होगा, ठीक है, और सब की सब यानी कि सात की सात हमारे पास क्या हो सकती हैं, वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की कमेटीज बनती हैं, तो इसके भी हम जो है कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वुमेन 10 हैं, उसमें से चार सेलेक्ट करनी है, तो 10c4 इंटू टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैन 8 हैं, उसमें से तीन सेलेक्ट करनी है, तो 8c3, ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन बनता है। और इसी तरह से ये 10c5 इंटू 8c2 प्लस 10c6 इंटू 8c1 प्लस 10c7, ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये इसकी जो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 20616, यानी कि इतने नंबर ऑफ कमेटीज बनते हैं जब एटलीस्ट फोर वुमेन हम इंक्लूड करें कमेटीज में, ठीक है। तो ये हमने तीन तरह के केसेस देखे जिसमें चार औरतें जब एक कमेटी में हो, एटमोस्ट चार औरतें हो, या फिर एटलीस्ट चार औरतें हो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एक कमेटी में सेवन हो, ठीक है। तो ये हमने तीन जो है केसेस देखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये हमने प्रूव करना है इस इक्वेशन को, तो जिस तरह से इक्वेशन को प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका यानी कि फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, प्लस इस पर भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये मैंने सिंपली क्या किया, फार्मूलाज अप्लाई कर दिए कॉम्बिनेशन के। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और साथ में क्या है, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई मजीद किस तरह से कर सकते हैं, हम कुछ टर्म्स को एक जैसा बनाते हैं, जिस तरह से n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल नोमिनेटर में सेम है, डिनोमिनेटर की टर्म्स को भी सेम बनाते हैं ताकि हम कॉमन ले सकें, कॉमन लेंगे तो हमारे पास आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो वो किस तरह से बना सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये एन माइनस आर है फैक्टोरियल, एन माइनस आर, इसको मैं इस तरह से रहने देता हूँ, और ये आर फैक्टोरियल है तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आर माइनस 1 तक, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप इसको देखें, एन फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, और इसको देखें, इसमें से एक कम करें यानी कि इसको एक्सटेंड करें एन माइनस आर तक, तो ये किस तरह बनेगा, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और आर माइनस 1 फैक्टोरियल उसी तरह से आ जाएगा। अब ये देखें, कुछ टर्म्स हमारे पास सेम हो चुकी हैं, कौन कौन सी टर्म्स, देखें न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल सेम है, वो हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप देखें तो एन माइनस आर फैक्टोरियल दोनों सेम है, तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल भी मैंने कॉमन ले लिया, उसके अलावा r माइनस 1 फैक्टोरियल भी सेम है, वो भी मैंने कॉमन ले लिया,
तो बाकी अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, तो वन, डिनोमिनेटर में आर इंटू ये टर्म बची है एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है तो इसको हम अलहदा अलहदा लिखेंगे। ये है वन ओवर, इस टर्म में क्या बचा है हमारे पास, वन ओवर आर प्लस, इस टर्म में क्या बचा है, वन ओवर एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, आगे हम इसको यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके यानी कि एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप खुद से एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाय, एलसीएम में आएगा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट को मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। उसके बाद अब यहां से देखें, ये आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये एन प्लस वन बचेगा, इसको ब्रैकेट हम नहीं डालते, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट इस तरह मैं डाल देता हूँ, तो बाहर तो वही चीज़ है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा, तो अब ये देखें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि ये बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, बल्कि पहले मैं वो लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट जो है एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और ये फिर मैं ये वाला कॉन्स्टेंट लिखता हूँ आर इंटू आर माइनस वन, ये वाला आर माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ऊपर अगर आप गौर करें तो एन प्लस वन इंटू एन फिर फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि ये इसकी नेक्स्ट टर्म है, अगर इसमें से वन माइनस करें तो ये एन आता है, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में आप देखें इन दोनों टर्म्स को, एन माइनस आर प्लस वन है उसमें से एक माइनस करें तो एन माइनस आर बनता है, और उसका फैक्टोरियल मतलब कि इसका फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ये इसकी नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट टर्म है, तो हम लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। उसके अलावा आप इसको भी नोट करें, इन दोनों टर्म्स को आर में से एक माइनस करें, आर माइनस वन फैक्टोरियल बना हुआ है, तो यानी कि ये इसकी नेक्स्ट टर्म है, तो आर माइनस वन आर फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अब मजीद अरेंज करके लिखूंगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वन को मैं पहले लिख दिया एन प्लस वन इस तरह से, तो अब आप गौर करें तो ये एन प्लस वन, अगर मैं एन प्लस वन कहता हूँ, एन प्लस वन लेट एन प्लस वन इज इक्वल टू एन, ठीक है, और बाकी आर इज इक्वल टू आर, तो फिर क्या बनेगा, एन प्लस वन सी आर किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्या ये वही चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है किसके, एन प्लस वन सी आर के। ठीक है, तो ये हम यानी कि इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हम राइट हैंड साइड प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10th है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को भी मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।